अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एलविस कैपिटल। फ्राइडे के प्राइस सेशन का हम आज क्विक रिव्यू करते हैं। फ्राइडे को मार्केट 40,731.61 पे क्लोज हुई विद 339.69 पॉइंट्स के लॉस के साथ, और वॉल्यूम जो थे वो 185 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। वॉल्यूम रिलेटिवली बहुत कम थे कंपेयर टू मंडे टू थर्सडे, जितना भी प्राइस सेशन था उसमें वॉल्यूम्स अच्छे थे। जो यूनिट था इट वॉज अ हायर वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर, 49,035 शेयर्स का काम हुआ। तो चलते हैं हम क्विकली अपने चार्ट की तरफ। ये डेली चार्ट जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इसमें अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो मैंने कहा था कि डेली चार्ट्स पर 6 अक्टूबर के बाद जो नया लो बना था 2 नवंबर को, इट वाज अ हायर लो। तो मार्केट ने हायर लो बनाया और आरएसआई भी उसी डायरेक्शन में एक हायर लो बना के वहाँ से बाउंस बैक किया। तो डेली में तो हायर लो बना और आरएसआई ने भी हायर लो बनाया, लेकिन मैंने कहा था कि इंट्राडे में एक लोअर लो बन रहा है सर, जैसे कि इंट्राडे में आप देखें आवरली चार्ट में, तो मार्केट जो लोअर लो बना रही है डाइवर्जेंस थी आरएसआई में। तो मैंने कहा था कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है कि प्राइस वापस आ सकती है, लेकिन सेंटिमेंट जो था वो स्ट्रांग था। अगर प्राइस ऊपर खुलती और ऊपर ब्रेकआउट करती तो चांस था कि 41,600 तक प्राइस जा सकती थी, लेकिन ये जो एरिया है स्ट्रांग रेजिस्टेंस का एरिया है, ये जो 41,064 का एरिया है, ये पहले 12 अक्टूबर को सप्लाई लाइन सप्लाई जोन था, उससे पहले ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अगर आप पीछे चले जाएं तो 11 अगस्त को सप्लाई जोन है, इससे अगर पीछे चले जाएं तो 6 फरवरी में भी ये सप्लाई जोन बनता है। तो इससे स्ट्रॉन्ग लेवल जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है वापस नीचे आई। अगर हम फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे की 3 दिन के प्राइस सेक्शन को अगर हम कंबाइन करें, वेनेसडे का अगर हम ओपन लें और फ्राइडे का क्लोज लें तो ये लाइन बनती है, पर उस ऊपर जो है फ्राइडे का हाई और वेनेसडे का लो लें तो 3 दिन के प्राइस सेक्शन से जो ये जो कैंडल बनती है इस डॉजी, जो कि ये शो करती है कि देर इज एक्सट्रीम इंडिसियन इन द मार्केट, और मार्केट जो है उसकी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी पिछले 3 दिन में। 2 नवंबर को जब प्राइस बाउंस बैक की उसके बाद एक अच्छा 1300 पॉइंट्स का गेन आया, लेकिन उसके बाद प्राइस जो है वो उसमें शॉर्ट इन थी अनसर्टेनिटी की वजह से। तो पिछले 3 दिन का जो प्राइस सेक्शन था वो अनसर्टेन था। तो ये जो यहाँ पे डोजी बना है, इसके बाद जो कल का प्राइस सेक्शन डिसाइड करेगा कि यहाँ से आगे मार्केट जो है नीचे दोबारा करेक्शन के मोड में जाएगी या यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करके मार्केट दोबारा बुलिश मोमेंटम को ज्वाइन करेगी। तो वो ये है कि कल अगर मार्केट जो है यहाँ ब्रेक डाउन करके नीचे खुलती है और प्राइस जो है वो 40,280 के एरिया से नीचे क्लोज होती है तो फिर इसमें मजीद प्रेशर देखेंगे। अगर मार्केट जो है वो ब्रेकअप करके ऊपर खुलती है और 41,070 के को क्रॉस क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर आगे आप बुलिश मोमेंटम देखेंगे। तो ये इनडिसाइसिव क्लोज था, इसके बाद कल का प्राइस सेशन इसको डिसाइड करेगा कि आने वाली मार्केट में क्या होगा। लेकिन जिसने जैसे आप थोड़े से बादल छट किए हैं अनसर्टेनिटी के, तो इस हाई लाइकली के प्राइस जो ऊपर जाएगी। अगर आज जो है वो फ्यूचर मार्केट ग्लोबल फ्यूचर मार्केट अगर पॉजिटिव खुले तो कल फिर प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगी। अगर ग्लोबल फ्यूचर्स जो है वो बढ़ते कोरोना वायरसेस की वजह से और पाकिस्तान में भी कोरोना वायरसेस की जो केसेस बढ़ रहे हैं, अगर उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया तो फिर प्राइस नीचे खुलेगी। अगर ग्लोबल फ्यूचर्स जो है वो अगर ऊपर खुलते हैं आज जो पाकिस्तान के सुबह 3 बजे खुलेंगे तो फिर मार्केट जो है उस हिसाब से कराची स्टॉक एक्सचेंज भी उसको फॉलो करेगी और प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये तो था हमारा डेली चार्ट। अगर हम क्विकली अपनी मूविंग एवरेजेस को देख लें, तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो मैंने कहा था कि आपका ये जो EMA है 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो आपका सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है। तो मैंने ये कहा था फ्राइडे को कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ से प्राइस जो है वो मजीद अंडर प्रेशर है, जब तक ये आपका EMA सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस नहीं करता तो आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शुरू नहीं होगा। तो जैसे ये थोड़ी सी आप डाइवर्जेंस आ रही है फ्राइडे को ये मजीद क्लोज थी, लेकिन अब ये थोड़ा दूर होती जा रही है, ये तो हो सकता है इसमें मजीद एक आप रेड सेशन देखें, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्गली ऊपर खुल के ऊपर जाती है तो ये फिर आपको नीचे से ऊपर कट भी कर सकती है। तो कल का प्राइस सेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि हमारा जो वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे का प्राइस सेक्शन कंबाइन करें तो वो इनडिसाइसिव था। तो ये तो मूविंग एवरेज के साथ था, और हम इस वक्त जो है खड़े हैं उस जगह पे जो कि 28 अक्टूबर का जो गैप, जहाँ पे आके गैप जो ऊपर से ओपन हुआ था 41,085 के एरिया से और नीचे आके जहाँ पे गैप जो दोबारा
गैप डाउन करके मार्केट ओपन हुई थी, वो बनता है ये एरिया 41,758 का एरिया, 750 का एरिया बनता है। तो मार्केट जो है वो दोबारा उसी एरिया में है, उसी रेजिस्टेंस जोन में। तो ये 750 से लेकर 41,180 तक जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया क्योंकि पिछले 3 दिन से मार्केट इसी जोन के अंदर प्राइस एक्शन जो है मूव कर रहा है। अब हम क्लियर कर देख लें, जो हम आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो फ्राइडे को हमने यहाँ पे छोड़ा था, उसके बाद मैंने कहा था अगर मार्केट ऊपर खुलती है और ऊपर सस्टेन करती है तो वी कैन सी 41,600 का एरिया, लेकिन जो है प्राइस ने आके 41,150 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो की। ये वो एरिया बनता है जहाँ पे आपका 28 अक्टूबर का गैप जो है मार्केट ने क्लोज किया, उसके बाद रेजिस्टेंस थी, प्राइस नीचे आई। और जो फ्राइडे को ये जो दो लॉन्ग लेग डोजेस बने थे, यहाँ पे बुल्स की रिजेक्शन थी और फिर बेस की रिजेक्शन थी, यहाँ से प्राइस ने दोबारा सपोर्ट ली 41,000 के हैंडल से, फिर दोबारा प्राइस सुपर बाउंस की लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी और 41,120 के एरिया से दोबारा प्राइस में रिजेक्शन मिली। और फिर ये आपकी जो बेरिश कंटिन्यूशन शुरू होगी, 3 बार्स प्ले बना, फिर नीचे आके उसी लेवल से प्राइस ने जो है सपोर्ट ली, फिर प्राइस ने ऊपर पुश किया, 3 वाइट सोल्जर्स बने, फिर उसकी रिजेक्शन आई, 3 ब्लैक क्रोस बने, फिर उसी लेवल से ऊपर दोबारा, तो ये बेस बोल्स में यहाँ पे फाइटिंग देखने में आ रही है, फिर ऊपर पुश किया, लेकिन जब दोबारा प्राइस जो है वो इसको 2-3 दफ़ा टेस्ट करके 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर सकी और प्राइस की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई, तो फिर प्राइस जो है इट वॉज अ फ्री फॉल और फिर नीचे आके या 2 ब्लैक गैपिंग भी बनता है। प्राइस ने नीचे आके प्रीवियस जो मिड डे का स्पोर्ट बनती थी 40,920 के एरिया जो है इस कंसोलिडेशन जोन से, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ली, ऊपर आई, फिर रेजिस्टेंस बन गई 40,996 के एरिया जो कि पहले जहाँ से प्राइस को यहाँ पर रिजेक्शन मिली थी, तो उसके बाद फिर प्राइस मजीद नीचे आई और आखिर सपोर्ट ली 40,850 के एरिया पे, जो कि यहाँ पे ये आपका कंसोलिडेशन जोन बनता है जहाँ से प्राइस ने ब्रेकअप किया था। फिर यहाँ से मजीद पुशअप मिला मार्केट को और प्राइस ने क्रॉस किया 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, वी वेप लाइन को क्रॉस किया, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुश आया बाय मिड डे फर्स्ट सेशन में फ्राइडे को, और ऊपर जाकर मार्केट जो है वो फर्स्ट सेशन में क्लोज हुई, सॉरी फर्स्ट सेशन के बाद नमाज के बाद फ्राइडे में एक स्ट्रॉन्ग पुश आया, लेकिन ऊपर जाकर 41,050 के एरिया पे फिर मार्केट को दोबारा रेजिस्टेंस मिली। ये वो एरिया बन जाता है जहाँ पे पहले 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन बना था, तो वहाँ से फिर मार्केट को रिजेक्शन मिली, 3 ब्लैक क्रोस बने, फिर उसकी बेरिश कंटिन्यूशन हुई और एक मॉर्निंग स्टार बना नीचे आके 40,930 के एरिया में, लेकिन वो प्राइस वहाँ से ऊपर नहीं जा सकी, फिर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आई, तो फिर एक रिजेक्शन मिली और फिर प्राइस इट वॉज अ फ्री फॉल और फिर प्राइस ने नीचे आकर दोबारा जो सपोर्ट ली वो 200 EMA पे ली 40,680 के एरिया में, यहाँ से प्राइस ने थोड़ा ऊपर स्ट्रॉन्ग जो है वो रिजेक्शन शो की बेयर्स को और मार्केट दोबारा उसी एरिया में आ जाती जो कि आपका 28 अक्टूबर का जो आपका जो ये जोन बनता है जहाँ पे आपके गैप, आपने पीछे मेरी वीडियोस में देखा होगा जहाँ पे आपके गैप शुरू होता है, ऊपर से गैप करके जब मार्केट नीचे आके प्राइस ओपन हुई, तो ये वो जोन पे अभी मार्केट प्राइस जो फिर ऑसिलेट कर रही है। तो इस वक्त प्राइस जो है वो 200 EMA के ऊपर है, लेकिन अगर कल मार्केट गैप करके नीचे खुलती है और 200 EMA के नीचे आती है प्राइस, तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश प्रेशर, और अगर यहाँ से मार्केट दोबारा गैप अप करके इस रेजिस्टेंस पे ऊपर खुलती है, वी कैन सी सम मोर बुल्स कमिंग इनटू द मार्केट, लेकिन अभी चूंकि इनडिसाइसिव उस पर क्लोज हुई थी मार्केट, देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन, कल का प्राइस सेशन डिसाइड करेगा। अगर आज फ्यूचर्स जो हैं वो गुड नोट पे खुले तो कल का आप देखेंगे एक पॉजिटिव सेशन होगा। तो आज के लिए यही क्विक वीडियो थी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।